Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज की जो रीडिंग है वो है ऑल जोडिक साइंस की वीकली होरोस्कोप की रीडिंग है. देखेंगे आपके लिए ऑल ओवर आप लोगों की पर्सनल प्रोफेशनल लव लाइफ में क्या आ रहा है, फाइनेंसिस में, करियर में, एजुकेशन में, मनी में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए. वीकली होरोस्कोप है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, ठीक है. सो गाइज, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट फिक्स ऑन दिस. जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें. चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीकली होरोस्कोप फॉर ऑल जोडिक साइंस के. ऑल जोडिक साइंस के लिए क्या आ रहा है इस वीक, क्या आ रहा है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दरमियान, क्या आ रहा है ऑल जोडिक साइंस के लिए यूनिवर्स गाइड के लिए. तो फर्स्ट है गाइस हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ. देन है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो गाइस आप लोगों को इस वीक में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है. किसी तरह की परेशानी आप लोगों की लाइफ में आ सकती है, स्पेशली फाइनेंसिस एंड करियर के रिगार्डिंग. सो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहना है, ठीक है. इनसिक्योरिटी किसी भी तरह की आप लोगों ने फील नहीं करनी, बिकॉज आप जितना ज़्यादा केयरलेस होगे उतना ज़्यादा, या किसी पर ट्रस्ट करोगे तो आपकी फाइनेंशियली आप लोगों को किसी की तरफ से धोखा भी मिल सकता है. सो उसमें आप लोगों ने केयरफुल रहना है, और किसी भी तरह के फाइनेंसिस करियर पे आप लोगों को अवेयर रहना है. अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो उसमें आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लगता है फाइनेंशियली आप लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस वीक में. आप लोगों में से बहुत से लोगों को प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते में, ठीक है. अगर आप लोग किसी तरह का घर खरीदना चाहते हैं, किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही सोच समझ के आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है. और आप में से बहुत से लोगों को इस वीक में हो सकता है चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, स्पेशली आपको बिजनेस से रिगार्डिंग, या आप लोगों की कोई जॉब चल रही है उसमें आपके बॉस आपको किस तरह का कोई चैलेंज भी दे सकते हैं, किसी तरह की आप लोगों को अथॉरिटी भी दे सकते हैं. सो उसको आपने अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो उसकी बेस पे आपकी प्रमोशन होने के भी यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं. और आप में से बहुत से लोगों की पर्सनल लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगी, ठीक है. किसी तरह के पुराने लवर से, पुराने फ्रेंड से, किसी से आपकी, या किसी पुराने रिलेटिव से जिनके साथ आप नहीं मिलते उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है. और अदरवाइज़ आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी मुझे काफ़ी चेंजेस होती नज़र आ रही हैं, ठीक है. आप लोगों को कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, बट आप में से बहुत से लोग कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने के भी यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं. बट अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ओके, बट आपने साफ दान रहना है इस मंथ में. कुछ लोग मुझे फाइनेंशियली यहाँ पे काफ़ी स्टेबल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं. अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रह के किया है तो आपको वहाँ पे, मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि आपकी और ज़्यादा फाइनेंशियली कंडीशन बेटर हो रही है आप लोगों की इस वीक में. ओके, यस. बट आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा इस वीक में मुझे लग रहा है जैसे चेंज करोगे. कुछ पुराने ताल्लुकात से आप लोगों की दोबारा से ना मीटिंग हो सकती है. कुछ पुराना आपको फ्रेंड या कोई लवर आपका मिल सकता है, उसके साथ दोबारा यूनियन हो सकती है, जिसके साथ आपका टोटली कनेक्शन ख़त्म हो गया था. हमारे पास है आइडिएशन, देन हमारे पास ट्रस्ट. सो गाइस आप लोग, एंड यहाँ पे है अबंडेंस. बहुत से लोगों की लाइफ में इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ हो रही है आप लोगों की फाइनेंशियली भी, और आप लोगों की प्रोफेशनली भी, एंड आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अबंडेंस नज़र आ रही है. किसी तरह की कोई ट्रीट भी मिल सकती है आप लोगों को, प्रमोशन ऑब्वियसली होगी आपकी लाइफ में, ट्रीट आएगी, ठीक है. कहीं सेलिब्रेशन कर भी सकते हो आप लोग किसी को मिलके. बट इस मंथ में, इस वीक में स्पेशली आप लोगों को अपनी जो सोच है उसको काफ़ी पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. और आप लोग जिसको भी मानते हो, अल्लाह को, भगवान को, जिसको भी, आपको उन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके ट्रस्ट पे होंगी.
आपकी इस वीक में किसी चीज़ों पे आप लोगों को ट्रस्ट करोगे तो वो रियलिटी में होती हुई आपको अपने सामने नज़र भी आएंगी, ठीक है। बट आपने अपने आइडिया जो है उनको क्लियर रखना है, पॉजिटिव सोचिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी। सो इस मंथ में आप लोग शायद नेगेटिव हो सकते हो, बट आपने नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है जितना हो सके, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट रख के आपने हर काम करना है। मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस चीज़ में आपने काफ़ी केयरफुल रहना है, ओके, क्योंकि अदरवाइज इन फ्यूचर आपको शायद डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। देन हमारे पास एम्पावरमेंट, यस, इस मंथ, इस वीक में आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो, ठीक है। अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी इस मंथ में, बहुत से लोग पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को काफ़ी पावर फील करोगे, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली जो स्पेशली फीमेल्स हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इस वीक स्ट्रॉन्ग फील करने वाली हैं। देन वी हैव कंपैशन, यस, जितना हो सके दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करिएगा इस वीक में, क्योंकि जितना आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों के साथ भी यूनिवर्स अच्छा पेश आएगी, ठीक है। देन वी हैव एनिमल्स, यस, एनिमल्स के साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर रखिए, उनकी हेल्प करिए, उनको आप किसी तरह का भी खाना दे सकते हो, ठीक है ना, लाइक आप किसी बर्ड्स वगैरह को भी दाना डाल सकते हो, आप किसी पेट को, डॉग को या फिर कैट को आप दूध दे सकते हो, उनको खाना डाल सकते हो, उनको फीड करिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में किसी कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ आएंगी अगर आप उनकी हेल्प करते हो, ठीक है। बेजुबान जानवरों की जब आप हेल्प करते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए दुआ करते हैं, तो उनकी दुआ तो फिर सुनी जाती है, ओके। सो चलिए मैं लास्ट पे ये देखना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है इस वीक में, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके किसी भी काम में तो वो आपकी बेटर हो सकें। हमारे पास है डोंट स्टॉप, यस, यूनिवर्स की तरफ से और एंजल्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है आपने बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे स्टक नहीं होना, किसी भी चीज़ पे रुकना नहीं है, गो विद द फ्लो, जिस तरह लाइफ चल रही है, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दीजिए, बट आपने खुद को रोकना किसी भी चीज़ पे नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट रख के काम करते रहिए जो आप कर रहे हैं, लेट गो सब नेगेटिविटी को, आप लेट गो करिए किसी भी चीज़ को, कोई आपको चीज़ फोर्स कर रही है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही उन चीज़ों को लेट गो करिए और किसी चीज़ पे भी रुकिए मत। कोई चीज़ आपको स्टॉप करना चाहती है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कुछ बोलते हैं, नेगेटिविटी से रोकते हैं, तो भी आपको उन, मतलब आपको नेगेटिविटी से रोकना इन अ सेंस कि अगर आपको वो नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, और आपको मतलब पॉजिटिव रहना जितना हो सके, आपने नेगेटिविटी की तरफ फोकस नहीं करना। जो लोग आपको नेगेटिविटी से रोकते हैं देन आप उनके साथ अच्छा कनेक्शन रखिए, अदरवाइज़ जितना हो सके आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ठीक है, तभी आप लोगों की लाइफ में हैप्पी बिग चेंजेस आएंगी, जब आप ख़ुद को रोकोगे नहीं और अच्छा काम करते रहोगे अपनी लाइफ में, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें 110% अपना दीजिए, ताकि आपका आगे जो लाइफ है वो अच्छी रहे, ठीक है। सो आपको मैंने गाइडेंस दे दी आप लोगों ने क्या करना है, किन किन चीज़ों से आपने केयरफुल रहना है या क्या करना है। हेल्थ के वाइज भी मैं देखूँ तो आप लोगों में से कुछ लोगों की हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप टेंशन भी ले सकते हो, डिप्रेशन में भी रह सकते हो, बट आपने पॉजिटिव रहना है गाइस। लाइफ में कुछ भी हो जाए उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। अगर ऑब्वियसली आपके पास पहले अच्छा टाइम था बट अभी बुरा टाइम चल रहा है, तो जब अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में भी आप लोगों के लिए हैप्पी बिग चेंजेस आएंगे, ओके। सो ये थे आज की हॉरोस्कोप ऑल ज़ोडिक साइंस की, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो मुझे बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।